देखिए, पहली बात है कि ओआरओपी के बारे में पार्टी की ओर से टिप्पणी कर दी गई है। आज घटना पर मुझे कुछ नहीं कहना है। आज की ये पूरी प्रेस परिवर्तन यात्रा को लेकर है। कलराज जी और राजनाथ जी दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भूपेन्द्र जी ने साफ कहा दोनों हैं, तो राजनाथ जी एक जगह हैं, कलराज जी एक जगह हैं और हमेशा साथ रहेंगे, आगे भी रहेंगे। हाँ अखिलेश जी, ऐसा है, बीजेपी के पास चेहरों की कमी नहीं है, ये पार्टी तय करती है, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। और जहां तक सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे सर्वप्रिय वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय हैं, अमित शाह जी अध्यक्ष हैं, बाकी राजनाथ जी राष्ट्रीय स्तर पर, कलराज जी, उमा जी प्रदेश अध्यक्ष, तो अगर हम सबका चेहरा लेकर चल रहे हैं तो फिर आपको उसमें परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। अब ये तो आप उसका तर्क निकालिए, विश्लेषण करिए। अभी बीजेपी वहां बहुमत के लिए पूरा प्रयास कर रही है और जो वहां की जनता के दिल में इच्छा गुड गवर्नेंस की, सुशासन की आ रही है, तो निश्चित रूप से भाजपा को बहुमत मिलेगा। ऐसा है, आज की पूरी प्रेस परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश पर है। पार्टी की ओर से विस्तार से अधिकृत उत्तर दे दिया गया है इसका। धन्यवाद, धन्यवाद, हाँ, कार्यक्रम तय हो रहा है, उसकी जानकारी समय पे आ जाएगी। जो बाकी राष्ट्रीय नेताओं के भी जो सभाएं होंगी, 30 सभाओं में कौन कहाँ जाएगा उसकी भी जानकारी आपको दे देंगे। मैं संख्या मैंने बता दी है, उत्तर दे दिया गया है, कौन कहां जाएंगे वो आपको विस्तार से हम देते रहेंगे। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन?